कहावत है कि लेट अस प्रीच व्हाट वी प्रैक्टिस एंड लेट अस प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। तो बहुत बहुत आभार मेरे गांव की पाठशाला का जिन्होंने मुझे एक मौका दिया वहां पर, जहां पर कुछ भी संभव नहीं था उस असंभव में भी जिन्होंने संभावनाओं को ढूंढी है। जय प्रकाश और सूरज। और जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़कर या फिर शहर में पढ़कर आगे बढ़ेंगे, उन लोगों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा ये दोनों लोग वहां पर लगा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम फॉर योर से उत्तराखंड की छोर से। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेट अस गो। मैं अपनी वीडियो को स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने वहां पर देखा कि पापा की फोटो आ रखी है। और जब मैंने उस वीडियो को खोला तो उस चैनल का नाम था मेरे गांव की पाठशाला। तो दोस्तों, जब मैंने पापा से इसके बारे में पूछा तो पापा ने कहा कि ये हमारे गांव में चलने वाली एक पाठशाला है, यहाँ की बहुत सारे बच्चे अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं और इस पाठशाला को दो भैया चलाते हैं। मैंने कहा पापा से कि इन्हें हमारे शिविर में लाएं। तो पापा ने कहा कि इसके बारे में अभी सोचते हैं और अगर नहीं ला पाएंगे तो हम गाँव में ही शिविर लगा देंगे, जिसमें कि बच्चे जूडो, कराटे, लाठी आदि चीज़ें सीख पाएंगे छुट्टियों में। तो सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मेरे गांव की पाठशाला में पढ़ने वाले उन तमाम स्टूडेंट्स का जो मेरे गांव की पाठशाला में पढ़ते हैं। और उसके बाद आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मैं जो उस पाठशाला को चला रहे हैं। कहते हैं कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि लेट अस प्रीच व्हाट वी प्रैक्टिस एंड लेट अस प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। यानी कि हमें दूसरे के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो व्यवहार की उम्मीद हमें दूसरे से होती है। हो सकता है कि मेरी बात को आप समझ ना पा रहे हो, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि लेट अस प्रीच व्हाट वी प्रैक्टिस एंड लेट अस प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। यानी कि हम जो उम्मीद दूसरे से करते हैं कि दूसरा व्यक्ति कैसा आचरण हमारे साथ करेगा, कैसा व्यवहार हमारे साथ करेगा, अगर हम ये उम्मीद किसी दूसरे से करते हैं तो हमें भी उस व्यक्ति के साथ वही उम्मीद, वही आचरण, वही व्यवहार करना चाहिए। तो बहुत बहुत आभार मेरे गांव की पाठशाला का जिन्होंने मुझे एक मौका दिया वहां पर आने का और अपने आप से मिलने का। आप लोगों ने मेरा धन्यवाद किया था तो मैं उस धन्यवाद के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि एक छोटी सी ज़िंदगी में इसको सुकून से जिया जाए और कुछ आप जैसे स्टूडेंट के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ा दिया जाए। एक अच्छा सा अनुभव पैदा होता है, एक अच्छी सी उम्मीद की किरण जगती है जब आप जैसे स्टूडेंट मुझे मिलते हैं। और आप जैसे स्टूडेंट्स को चलाने वाले वो टीचर्स जो ऐसी स्थिति और परिस्थिति में मेरे गांव की पाठशाला को चला रहे हैं, जहां पर कुछ भी संभव नहीं था उस असंभव में भी जिन्होंने संभावनाओं को ढूंढी है, जय प्रकाश और सूरज, इन दो लोगों ने जो संभावनाएं वहां पर ढूंढने की कोशिश की है, आज आवश्यकता है इन दोनों को उसमें आगे बढ़ने की और मेरे गाँव की पाठशाला को आगे बढ़ाने की। जब आप जैसे नवयुवक इस तरह का कार्यक्रम गढ़वाल के अंदर करेंगे, पहाड़ों के अंदर करेंगे, तो निहायत ही मेरे गांव की पाठशाला के तहत होने वाले उन सारी संभावनाओं को हम आगे रख सकते हैं। इन फ्यूचर उसका हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आगे चल सकते हैं। और जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़कर या फिर शहर में पढ़कर आगे बढ़ेंगे, उन लोगों के मुँह पर एक बहुत बड़ा तमाचा ये दोनों लोग वहाँ पर लगा रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर इन दोनों को सपोर्ट दे दिया गया, मेरे गांव की पाठशालाओं को लोगों को सपोर्ट मिला और लोगों ने वास्तव में इस चीज़ को पहचाना जिस चीज़ को करने के लिए ये दोनों लोग तत्पर हैं, वो दिन दूर नहीं कि जब आपके बच्चे एक बहुत बड़ी पोजीशन पर मेरे गांव की पाठशाला से होंगे। तो बहुत बहुत आभार मैं पुनः करना चाहूँगा इन दोनों शख्सों का। मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरे गाँव में मेरे गाँव की पाठशाला चल रही है, लेकिन किस थीम पर चल रही है, इनकी थीम क्या है, ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं चैनल के माध्यम से तो देखता ही था लेकिन वैसे मुझे देखने का मौका नहीं मिला। तो मेरी जाहिर सी इच्छा हुई, क्योंकि अपने गांव के प्रति मेरा लगाव बचपन से ही रहा है और बचपन से ही मैंने सोचा है कि मैं अपने गांव के लिए कुछ करूं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं कर पाता हूं। बहुत छोटा सा था तो उस समय उत्तराखंड आंदोलन पर एक फिल्म देखी थी गढ़वाल के अंदर, और आज भी उस फिल्म से इंस्पायर हूँ कि वो लड़का जो है BSc में था, फिर ग्रेजुएशन कर रहा था और उत्तराखंड आंदोलन में कूद पड़ता था और वहीं से उसके गांव में कुछ कर गुजरने की थीम थी और अपने गांव के लिए बहुत कुछ कर लेता है। शायद जहां पर आप लोगों के इंस्पायरेशन बहुत बड़ी होगी तो मेरी इंस्पायरेशन कुछ अलग नहीं थी। मेरी इंस्पायरेशन एक छोटी सी गढ़वाल की वो बहुत बड़ी फिल्म है वाले,
लेकिन मैं छोटी फिल्म कहूँगा क्योंकि आज की डेट में तो लोग न जाने किस किस फिल्म को बहुत बड़ी कह लेते हैं। लोगों के रोल मॉडल बहुत बड़े होते हैं, लेकिन मेरे रोल मॉडल तो सिर्फ मेरे माँ बाप ही रहे हैं। तो उस फिल्म से जो इंस्पायर हुआ था, तो मैं यही सोचता था कि शायद मैं अपने गाँव के लिए करूँगा, और करने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन जितनी भी कोशिशें की वो सारी कोशिशें राजनीति की भेंट चढ़ती गई। आज मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे गाँव की जो पाठशाला है वो राजनीति की भेंट चढ़े। तो मैं वहाँ पर गया, और वहाँ पर जाने के बाद बच्चों का जो प्यार और प्रेम मुझे मिला, तो आज फिर मैं चाहता हूँ कि मैं उन बच्चों के बीच में दोबारा आऊँ, और दोबारा कुछ ऐसा यूनिक करके आऊँ कि ताकि उन बच्चों को लगा कि लगे कि वास्तव में मेरे गांव की पाठशाला को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ मिले। लेकिन आज समस्या ये है कि हम भी अपनी स्थिति, परिस्थिति और समय के कारण बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि चाहे मुझे जूम मीटिंग के माध्यम से करना पड़े, या फिर मुझे जो है ऑनलाइन ही कुछ ऐसा करना पड़े, या फिर अगर मुझे कुछ वहाँ पर पहुँचाना होगा, या फिर कुछ कोई भी चीज़ कहीं से भी कुछ भी हेल्प अगर मुझे पहुँचानी होगी, तो मैं कहीं बाहर से कोशिश करूँगा वहाँ पर पहुँचाने की। हम तो यथाशक्ति जो कर सकते हैं वही कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उन बच्चों का जो एम है, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को सुनकर उन्होंने मेरे नाक कान सब खोल दिए। अच्छा लगा, क्योंकि उस उम्र में, जिस उम्र के पड़ाव में वो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं सूरज और जेपी के अंडर, उस उम्र में हमें खुद पता नहीं होता था कि हमें करना क्या है। एक बड़ा सवाल भी है और बड़ा विषय भी है कि आज भी शायद वही होता होगा जो हमारे साथ हुआ करता था। स्कूल हो या कोई भी एजुकेशनल फील्ड हो, उसके मंच पर बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, और बहुत सारे टीचर्स उस मंच से बहुत कुछ कह रहे थे, और कहने के बाद ये कहते थे कि आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, एक एम होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात कि मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा था, और ग्रेजुएशन के बाद भी जब मैं पीजी में पहुंचा, तो उसके बाद भी मुझे ये पता नहीं चला कि वो एम और उद्देश्य होता क्या है, किसे कहते हैं एम और किसे कहते हैं उद्देश्य। ये किसी ने भी डिस्क्राइब नहीं किया था उस मंच के माध्यम से, और शायद आज बहुत कम लोग हैं जब कोई उस मंच के माध्यम से उसको डिस्क्राइब करते होंगे। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई करता होगा, सब यही बोलते होंगे कि तेरा एक एम होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन उद्देश्य कैसा हो और उस उद्देश्य तक जाने की गतिविधि क्या होती है, ये अब हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। आज से पहले भी हमें कुछ पता नहीं था कि कैसे होता है, किस तरह से होता है। विगत 8 से 10 सालों का जो मेरा अनुभव है उद्देश्य और एम को लेकर, वही मैंने इन बच्चों के साथ मेरे गांव की पाठशाला में शेयर किया था। मैं मानता हूं कि एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन बोलने वाला व्यक्ति ये भी तो क्लियर करे कि वो एम और उद्देश्य होता क्या है, किसे कहते हैं, और उस उद्देश्य तक जाने की सीढ़ियां क्या है, और अगर हम जा रहे हैं तो पहला स्टेप कैसे बढ़ाना है, ये भी तो समझाना ज़रूरी है। और हम इसी बीच में फंसते गए, और विगत कई फेलियर मिलने के बाद, जहाँ भी जो भी काम किया उतनी फेलियर मिलने के बाद, आखिरकार हमने कहीं ना कहीं सफलता तो हासिल की है, और उसी एक्सपीरियंस की बदौलत हमने वो एक्सपीरियंस अपने मेरे गांव की पाठशाला में शेयर किया। बहुत अच्छा लगा कि ग्राम क्वाले के अंदर जो है मेरे गांव की पाठशाला को बढ़ावा दिया जा रहा है, और बढ़ावा वो यूथ दे रहा है जो आज कहीं किसी कंपनी में, या फिर किसी होटल में, या फिर किसी अनपढ़ के यहाँ नौकरी कर रहा होता, लेकिन उस यूथ ने चुना अपने गाँव को, अपने गांव के उन बच्चों को। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा, दोनों सूरज और जय ने, इन दोनों ने ये सोचा कि जो परिस्थिति और स्थिति हमारे साथ आई, एजुकेशन के मामले में जो समस्याएं हमारे साथ आई हैं, वो समस्याएं मेरे गांव के छोटे भाई बहनों को ना आए, मेरे गांव के मेरे जो भी भतीजे हैं, जो भी नेफ्यूज़ हैं, या फिर जो भी छोटे बच्चे हैं, उनको वो समस्या ना आए, उस समस्या को लेकर उन्होंने समाधान की ओर प्रयास किया। लेकिन आज मेरे गांव की जो पाठशाला है अपनी चरम सीमा पे तो चली रही है, लेकिन इनको आवश्यकता है थोड़े से सपोर्ट की। तो मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने इनका एक धन्यवाद वीडियो देखा था, और मुझे नहीं लगता था कि मैं इस काबिल हूँ, या फिर इस तरह से मेरे लिए कुछ बना दिया जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, या फिर मेरा मैसेज किसी तक पहुँचता है, तो इन लोगों को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आज मेरे गांव की पाठशाला मेरे गांव से स्टार्ट होती है, तो दुनिया कुछ समय बाद 5 से 10 सालों के अंदर सिंपल टिहरी ही नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड का प्रत्येक गांव जो पहाड़ी क्षेत्र में, रियर क्षेत्र में बसा हुआ है, वो मेरे गांव की पाठशाला से जुड़ जाए, और हर गांव में जो है मेरे गांव की पाठशाला की एक ब्रांच खुले, जहाँ पर उनको सर्वांगीण विकास की बातें हों, और एक बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो। वहाँ पर सिर्फ सूरज और जय प्रकाश ही नहीं होंगे, बल्कि हर प्रकार के एक्सपर्ट्स टीचर्स होंगे, जो हर प्रकार से होंगे,
ऐसी नहीं कि एक ही सब्जेक्ट का टीचर हो या फिर कुछ छोटी छोटी बातों को लेके हो, लेकिन जो बेसिकल मेरे गांव की पाठशाला है वहाँ पे जो बेसिक्स चीज़ें हैं, जिस प्रकार से सूरज और जयप्रकाश इस पर काम कर रहे हैं, अगर वास्तव में एक पढ़ा लिखा इंसान इस चीज़ को सोचे तो हाँ वो दिन दूर नहीं जब उन बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। जो पेरेंट्स, जो गार्जियन हैं, जो अपने बच्चों के प्रति उस चीज़ की सोच रखते हैं, वो ज़रूर आगे बढ़ पाएंगे। तो एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ, पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मेरे गांव की पाठशाला को। मेरे से जो संभव हो पाएगा मैं कोशिश करूँगा आप लोगों तक पहुँचाने की, मेरे से जो भी बन पाएगा मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूँगा, जितना संभव होगा हम करेंगे। और वो दिन दूर नहीं, अगर भगवान ने चाहा और इस धरती पर जीने का मौका मिला, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम मेरे गांव की पाठशाला को एक बहुत बड़ी पाठशाला में कन्वर्ट करेंगे और उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में मेरे गांव की पाठशाला होगी। बस मेरे गांव की पाठशाला के उन सभी बच्चों को सिर्फ एक मैसेज अंत में कविता के माध्यम से देना चाहूँगा कि मेरी हर सांस में संघर्ष का तूफान है, मुश्किलों की हर लहर में मंजिलों का अरमान है, जीवन में जय पराजय की तो बात ही नहीं यारों, संघर्षरत मौत तो जीवन से महान है। थैंक यू।